नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा बिहटा पटना। क्या कहेंगे वर्तमान में सुपौल की स्थिति को लेकर प्रशासन की सरकार में? सुपौल जिला में 5 विधानसभा हैं, जहां 5 विधानसभा पर सुपौल जिला समाजवादियों का धरती रहा है। वहां सभी जगह समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। समझौता के तहत हम लोग चाहते हैं कि पांचों सीट आरजेडी को मिले, इस पर हमारा आलाकमान अड़े और पांचों सीट ले, पांचों सीट हम लोग जीत जाएंगे, बशर्ते कि वहां सामाजिक जो समीकरण है, जो अपना निर्णय है, सामाजिक समीकरण के आधार पर अगर चुनाव लड़ेंगे तो पांचों जगह भारी मतों से हमारा उम्मीदवार आरजेडी का वहाँ विजय प्राप्त करेगा। आरजेडी का ही क्यों जीतेगा, महागठबंधन का भी तो जीत सकता है। वहाँ कांग्रेस पार्लियामेंट में लड़ा था, किसी भी विधानसभा में उन्होंने विजय प्राप्त नहीं किया। वहाँ आरजेडी का अपना विचारधारा का लोग है वहाँ, और आबादी के हिसाब से भी लगभग 90% लोग वहाँ इस विचारधारा के लोग हैं। चुनाव में लोगों में नाराजगी रही है सीट बंटवारे को लेकर? हमारे यहाँ कोई ऐसी नाराजगी नहीं है सुपौल जिला में। जनता के बीच जनता ने नहीं चुना दूसरे पार्टी को, राजद को चुना? कहाँ से राजद को चुना? राजद को आप कह रहे हैं राजद को चुनेगी जनता, बाकियों को क्यों नहीं चुनेगी? बाकियों का उनका कार्यक्रम नहीं है, हमारा कार्यक्रम है। हमारा प्रत्येक बूथ स्तर पर 15 नौजवान खड़ा है, डिजिटल से हो या वर्चुअल हो, सारा व्यवस्था हमारा टंच है वहाँ सुपौल जिला में। और पांचों का 5 हमको हम जीतेंगे। वहाँ सरकार के बड़े मंत्री बिजेंद्र प्रसाद जी हैं, निश्चित इस बार उसका धराशायी हो जाएगा। भारी मतों के अंतर से लोग चुनाव हारेंगे, पूरा साफ का साफ हो जाएगा वहाँ NDA, और पांचों सीट पर RJD का कब्जा होगा। संगठन को क्या कहना चाहेंगे? हमारा संगठन वहाँ बिल्कुल मजबूत है। हमारे अध्यक्ष आलाकमान से क्या कहना चाहेंगे? आलाकमान से यही कहेंगे कि पांचों सीट RJD को ले और बैठ करके कार्यकर्ताओं से निर्णय लेकर के टिकट वितरण करे। कोई नहीं है बाहरी लोगों को टिकट नहीं मिले, RJD के कार्यकर्ता को ही टिकट मिले। हमारे यहाँ पैसा का मार नहीं होता है, कार्यकर्ता पर मतदान करता है लोग। अगर सही लोगों को टिकट मिल गया तो हमारे यहाँ बिना पैसों का चुनाव जीत जाता है, चंदो मिलता है और वोटो मिलता है। हमारा पांचों का 5 सीट जीतेगा। अपना परिचय बताइए। दिनेश प्रसाद यादव, प्रवक्ता RJD सुपौल। आज आप पार्टी कार्यालय आए हैं, चुनाव का समय है, क्या कुछ है बात, क्या कहना चाह रहे हैं? चुनावी माहौल तो है ही, मैं सुपौल जिला का जिला प्रधान महासचिव हूँ। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष से संगठन के बारे में बात करने आया था, संजोगवश अध्यक्ष महोदय से बातचीत नहीं हुई। सुपौल जिला में जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल का हम लोगों ने जो संगठन बनाया है, पूरे सुपौल जिला में राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद की विचारधारा घर घर गूंज रही है। वहाँ की जो आवाम आदमी है इस 15 साल के शासन में त्रस्त है, और जो है सो क्या कहते हैं कि सारी जनता, सुपौल जिला की जनता बाढ़ से, सुखाड़ से हमेशा त्रस्त रही है। और जो है सो 15 साल में शासन जो है, शासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं रह गया है, एकदम घोर कुशासन है। कोई कलेक्टर मन जो है सो विकास की बात नहीं करते हैं, ना जो है सो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, न किसी थाने में जो है सो सही ढंग से जो है सो FIR लॉज करने के लिए उनको जो है सो रिश्वत चाहिए। हमारे लोगों को जो है सो बैठने के लिए भी नहीं दिया जाता है। इसीलिए जो है सो इस नीतीश कुमार के कुशासन से लोग त्रस्त है। और जो है सो 1990 में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव की जो सामाजिक न्याय लोगों ने देखी है, फिर से जो है सो सामाजिक न्याय देखने के लिए और गरीब गुरुआ को मान सम्मान के लिए लोग तरस रहे हैं। बशर्ते कि राष्ट्रीय जनता दल जो समीकरण है, जो अति पिछड़ा को आरक्षण देने की बात करती है, महादलित दलित को आरक्षण देने की बात करती है, अगर जो है सो समीकरण के हिसाब से, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी अगर मिले तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल का जय जय होगा, हमारी सरकार बनेगी। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद भावी मुख्यमंत्री है, तय है। किस तरह के उम्मीदवार हैं जिससे राजद को फायदा हो सकता है? उम्मीदवार जो है सो जो जिस विधानसभा में जो आबादी है उसी हिसाब से अगर जो है सो उम्मीदवार को चयन किया जाए। जहाँ जिस विधानसभा में अति पिछड़ा की जो है सो बहुलता है, महादलित की बहुलता है, जहाँ सामान्य वर्ग का है,
उस समीकरण को लागू किया जाएगा तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल का विजय ही विजय है। पांचों सीट हम लोग सुपौल जिला में जीतने के लिए जो है सो सक्षम है, हमारा संगठन ऐसा सशक्त है। मौजूदा विधायक कौन है, क्या कुछ अभी पूरे सुपौल जिला में पिपरा विधानसभा क्षेत्र ऐसा है, वहाँ जो है सो हमारे माननीय विधायक जदुवंश कुमार सिंह सिटी विधायक हैं और जो है सो उन्हीं के अगुवाई में खास करके हम लोग चलते रहे हैं और जो है सो उनसे अलग हट करके भी हम लोग जो है सो अपना संगठन का काम कर रहे हैं और जो है सो हर एक बूथ स्तर तक हम लोगों का संगठन तैयार हो गया है और जो है सो हमारे गरीब गुरबा लोग काफ़ी तादाद में लोग जो है सो दल से जुड़ रहे हैं और जो है सो लालू प्रसाद माननीय तेजस्वी प्रसाद के साथ जो है सो क्या कहते हैं लगाव है उनका और उनको मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। प्रदेश अध्यक्ष से क्या कहना चाहेंगे जी? प्रदेश अध्यक्ष से क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश अध्यक्ष संगठन के मालिक हैं, संगठन के मालिक हैं और संगठन के जो है सो न्यायाधीश भी है। इनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपने जो राष्ट्रीय जनता दल ने जो संगठन में आरक्षण जो है सो लागू किया और हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो विभिन्न मंचों से विभिन्न जो है सो मीटिंग में उन्होंने घोषणा किया कि राष्ट्रीय जनता दल कृत संकल्पित है, जो आरक्षण मैंने संगठन में लागू किया वही आरक्षण मैं जो है सो चुनाव में भी लागू करूँगा। अगर ये चीज़ हो जाए, इसको अमलीजामा पहना दिया जाए तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल की निश्चित विजय है। हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकता है। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम इंजीनियर राम सुंदर मुखिया निषाद, मैं प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल सुपौल।